नमस्कार दोस्तों, शाह किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे उत्तराखंड की मशहूर डिश जो है रस। रस यानी कि ठटवाणी। इसको भात के साथ खाया जाता है और इसमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है और इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए जाड़ों के दिनों में इसको खाया जाता है। पुराने जो लोग होते थे वो तो इसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाते थे। मैंने भी अपनी मदर इन लॉ से ये सीखी है बनानी। देखिए, आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी करछी राजमा, एक करछी गहर और एक करछी लिया है मैंने चना साबुत, एक करछी उड़द साबुत और एक करछी भट यानी कि काले सोयाबीन। ये सभी साबुत दालें हैं। इसके अलावा आप इसमें रेंस भी डाल सकते हैं और दालों की मात्रा कम ज़्यादा अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन भट और गहत का इसमें मेन रोल होता है। तो इन सभी दालों को हम मिक्स करके रात में अच्छे से धो के इनको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देते हैं। रात भर मैंने इसको भिगो के रखा था दालों को, और उसके बाद मॉर्निंग में कुकर में अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें बॉईल कर लिए हैं अच्छे से सभी दालें, 4-5 सीटी लगा के, जिससे अच्छे से ये गल जाएं। अब हम इन्हीं दालों के रस को यूज़ करेंगे। ये हमने लोहे की कढ़ाई जो है गैस पे रख दी है। अब हम इसमें सारी बॉइल्ड दालें अपनी डाल लेंगे। ये देखिए, ताकि इन दालों का रस और अच्छी तरह से निकल जाए। इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे और इसमें पानी डाल देंगे। पानी के साथ हमको इसको थोड़ी देर पकाना है, दानों का रस और अच्छी तरह निकल जाएगा। उसका रंग जो होता है एकदम काला होता है, ब्लैक कलर का ही बनता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा होती है। ये देखिए, करीब आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। दालों का रस जो है निकल गया है। अब हम दालों को इस कढ़ाई से अलग कर लेंगे, क्योंकि रस होता है तो इसमें दाने निकाल दिए जाते हैं इस तरह से एक छलनी में। दाने अलग कर लेंगे इसके। ये दाने भी इसके जो है बेकार नहीं जाते हैं, और इनका ये बहुत अच्छा एक स्नैक्स बन के तैयार होगा, देखिएगा आप अभी, जो कि बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। अभी हम इसको भी तैयार करेंगे। पहले हम दाने निकल, कुछ दाने आप छोड़ सकते हैं इसमें, लेकिन कुछ लोग इसमें बिल्कुल भी दाने नहीं छोड़ते। थोड़ा बहुत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें दाने रख सकते हैं। ये देखिए, दाने निकल गए हैं। और अब हम जो ये दाने छानने के लिए रखे हैं हमने, हम इसको और पानी से अच्छी तरह धो लेंगे, ताकि इसमें जो और रस हो बचा हुआ वो भी सब यूज़ हो जाए। अभी हम टटवाणी में और पानी डालेंगे इस तरह से, और हम ये इस रस को कढ़ाई में डाल देंगे। कालापन आने लगा है इसमें। चावल का आटा लिया है मैंने, गाढ़ापन लाने के लिए डाला जाता है। एक करछी चावल का आटा पानी में अच्छे से घोल लिया है, और हम इसको रस में मिलाएंगे। ये टटवाणी को बीच बीच में हम चलाते रहेंगे, आधा घंटा कम से कम इसको और पकाएंगे हम। और इसमें हम ये जो हमने चावल का आटा घोला था इसको अच्छे से डाल देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी। थोड़े हमने खड़े मसाले लिए हैं, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी वगैरह। इनको हम थोड़ा सा कुटकुटा के डाल देंगे रस में। साबुत गरम मसाले डाल दिए हमने, और ये थोड़ा सा ग्रेटेड अदरक लिया है, इसको भी हम डाल लेंगे। और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट हम इसको अच्छे से पकाएंगे। दानों का स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए ये महीन कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, लेमन जूस या अमचूर भी ले सकते हैं आप, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और नमक।
अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और साथ में हम ये दाने जो हमने धो के रखे हैं इनको डाल लेंगे। अब हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि ये बॉइल्ड हैं, पहले से ही पके हुए हैं। प्याज मिलाएंगे हम, हरी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक क्योंकि नमक पानी से धुल गया होगा, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें चाट मसाला, गरम मसाला और चीज़ें भी मिला सकते हैं। थोड़ा चलाएंगे इसे और अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आप खट्टे के लिए। मैंने इसमें लेमन जूस डाला है, बड़े नींबू का रस लिया है, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्नैक्स, स्वादिष्ट स्नैक्स बन के तैयार हो गया। इसको आप चाहे तो चाय के साथ खा सकते हैं। ये पटवानी बन के तैयार हो गई है और इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि नमक हमने पानी और डाला था तो शायद नमक कम होगा। और अब हम इसमें छौंक लगाएंगे। छौंक के लिए ये हमने घी गरम करा है, इसमें हम जम्बू डालेंगे। जम्बू जो है आप चाहें तो लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, मैं खाली जम्बू का छौंक लगा रही हूँ। जम्बू और थोड़ी सी हींग डालेंगे। ये अच्छे से बन के तैयार हो गई हमारी तटवाड़ी। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मिला देंगे, थोड़ा हमने साबुत डाले से थोड़ा ही डालेंगे। ये हमारा रस और भात यानी चावल बनकर तैयार हो गया है। ये दाने हैं इसके, ये सब मिला के खाया जाता है जाड़ों में, आयरन और प्रोटीन से भरपूर। आप भी ज़रूर बनाइए, खाइए और खिलाइए, और आगे भी इसी तरह नई नई पहाड़ी डिशेस और भी डिशेस शेयर करते रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।